फ्रेंड्स, आपको आज मैं ये वीडियो में बताऊंगा, ग्रिल को जो कलर मारते हैं उसको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि पहले क्या करना चाहिए, उसको कैसे घिसाई करते हैं और कौन सा पेपर आता है उसका और कौन कौन सा कलर मारना चाहिए उसको। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि इसको घिसाई कौन से पेपर से करते हैं। इसको घिसाई करते हैं 60 नंबर कट पेपर से। 60 नंबर? 60 नंबर के कट पेपर से। अच्छा, सभी इसको लोहे को कोई भी लोहा रहा था उसको सबको एक ही पेपर लगता है क्या? हाँ, एक ही लगता है। दूसरा उसके बाद में कौन सा प्राइमर क्या रहता है? उसके बाद में रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड रहता है। हाँ, रेड ऑक्साइड लगता है। अच्छा, उसमें कुछ मिक्स करते क्या? हाँ, टर्शनड ऑयल। अच्छा, टर्शनड ऑयल उसमें मिक्स करना पड़ता है। हाँ, पहले इसकी घसाई होती है मस्त अच्छे से। अच्छा, उसके बाद में उसमें ब्रश से पूरी साफ सफाई हो जाती है कपड़े से। अच्छा, फिर उसके बाद में रेड ऑक्साइड मारना पड़ता है इसके। अच्छा, उसके बाद में इसको कलर। उसके बाद में इसको सिंगल कोट अपना धूप में, जैसे समझो ऐसा इधर से धूप है तब इसको मारना। अच्छा, तब कैसा वो जरा कैसे फिनिशिंग आती है उसमें, सिंगल कोट में फिनिशिंग आती है, डबल कोट में तो पतला पतला ही मारना पड़ता है, डबल कोट में सना दिखता है। बारिश का टाइम रहा तो उसको नहीं जमता नहीं? नहीं नहीं, अच्छा फिनिशिंग नहीं आती। रेले आते ऐसे इतना वैसा चमक बात नहीं दिखता, वो फिनिशिंग नहीं आती करने का मतलब आपका। हाँ, दूसरा इसका अगर आपको वाइट अच्छा रहता है इसको ज़्यादा ऐसे मेंटेनेंस के हिसाब से, या फिर दूसरा कोई ब्लैक कलर ऐसा? ब्लैक कलर में मेंटेनेंस कम रहता है? मेंटेनेंस बहुत कम रहता है। ये तो भी कैसा थोड़ा कैसा मैला हो जाता है, ब्लैक अगर मारेंगे तो कैसा दिखता नहीं उसमें कुछ कचरा अगर लगा तो उसको। अच्छा, और कुछ जानकारी इसके बारे में? जानकारी तो बस अभी जो जो पूछा आपने इसके बारे में पूरी जानकारी आ गई। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतना ही बताऊँगा, और भी कुछ अगर रहा तो मैं आपको वीडियो बना के बताता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।